चिलुआताल पुलिस व स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम ने हत्या में वांछित 25,000 के इनामी दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को महुआ अतर बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान संजय निषाद पुत्र राम सावर निषाद निवासी ग्राम देवीपुर टोला लक्ष्मणपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर, दूसरा राम सावर निषाद पुत्र स्वर्गीय ब्रिजलाल निवासी ग्राम देवीपुर टोला लक्ष्मणपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई। एसपी नार्थ ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को हत्या के मुकदमे में वांछित चल रहे थे और गिरफ्तारी के डर से न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए जाने के लिए महुआ अतर तिराहे से कचहरी जाने के फिराक में थे, जिन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में चिलुआताल थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक अमित राय, सर्विलांस टीम प्रभारी राजेंद्र सिंह, कांस्टेबल वीरेंद्र यादव, पवन यादव, करुणापति तिवारी, दुर्गेश मिश्रा, अरुण राय शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, महिला वर्सेस महिला कहीं बनी है, लेकिन आज चिलुआताल पुलिस द्वारा दो 25,000 के इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम संजय व राम सावर निषाद हैं। ये मुकदमा संख्या 230/2021 में फरार हुए थे, तब से लगातार फरार चल रहे थे। इनके ऊपर 25,000 का इनाम किया गया था। इनकी गिरफ्तारी करने वाली टीम में चिलुआताल इंस्पेक्टर और उनके वरिष्ठ उप निरीक्षक और बाकी टीम शामिल हैं। इनको गिरफ्तार करके और जेल भेजा गया। बरामदगी तो नहीं हुई इनके पास से, लेकिन ये शातिर अपराधी हैं, हत्या के अपराध में वांछित थे और लगभग 1.5 साल से फरार थे। अब इनकी गिरफ्तारी की गई, इनको चिलुआताल थाना क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया गया है।